प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हम लोगों ने ब्रिटिश गृह विभाग के बारे में पढ़ा था। अब हम आपके पाठ्यक्रम में ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में हैं, उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल और भारत का जो मंत्रिमंडल है उसकी कार्यशैली लगभग एक समान है। अतः मंत्रिमंडल सचिवालय जो है उसकी संगठनात्मक और जो कार्यात्मक प्रकृति है वो भी मोटे तौर पर क्या है, भारत जैसी ही प्रतीत होती है। क्योंकि ब्रिटेन में भी क्या है, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है और भारत में भी क्या है, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल और विधायिका का जो संबंध है वो बड़ा घनिष्ठ होता है। अतः मंत्रिमंडल की कार्यशैली अध्यक्षीय प्रणाली के जो मंत्रिमंडल की जो कार्यशैली है उससे क्या बहुत ज़्यादा अलग होती है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका के प्रति जवाबदेहता बनाए रखने एवं विश्वास मत प्राप्ति के लिए संसदीय प्रणाली वाले जो मंत्रिमंडल हैं उनको हमेशा क्या है, सचिवालय सहायता की आवश्यकता रहती है, ताकि मंत्रिमंडल के निर्णयों, उनकी क्रियान्विति तथा मूल्यांकन कार्यों में क्या है, सहायता मिल सके। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्री गणों को तथ्य, आंकड़े, सूचना और प्रशासनिक परामर्श भी उपलब्ध करवाता है। ब्रिटेन की हम अगर बात करें थोड़ा सा, कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना सन 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के मध्य बैठकों का अनौपचारिक विवरण व्यक्तिगत स्तर पर क्या है, मंत्री खुद ही रखते थे। किसी भी प्रकार की औपचारिक और लिखित कार्यवाही प्राय नहीं होती थी। प्रोफेसर हेराल्ड लास्की ने अपनी किताब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन ब्रिटेन में लिखा है कि कुछ मंत्रियों तथा प्रसिद्ध पत्रकारों के मध्य विश्वासपूर्ण संबंध नहीं थे। संभावना ये की जाती है कि युद्ध की परिस्थितियों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है ये, युद्ध की परिस्थितियों, मंत्रिमंडल के निर्णयों तथा गोपनीयता की आवश्यकता ने एक ऐसे कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता पैदा की जो नीतिगत निर्णयों को औपचारिक तथा गुप्त रूप से क्या है, रिकॉर्ड में रख सके। लॉयड जॉर्ज के प्रयासों से मंत्रिमंडल सचिवालय जो है उसकी सन 1946 में क्या है, स्थापना कर दी गई। और लॉर्ड हैनके प्रथम मंत्रिमंडल सचिव क्या है, नियुक्त किए गए। वास्तव में यह सचिवालय अभी भी वार कैबिनेट के कार्यों के लिए स्थापित किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम 1916 में, और इसको क्या है, युद्ध की समाप्ति के बाद क्या है, समाप्त करना था। लेकिन सन 1918 में कमेटी ऑन मशीनरी ऑन गवर्नमेंट, जिसको हम हाल्डेन कमेटी भी कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, हाल्डेन कमेटी जो है उसने सुझाव दिया कि मंत्रिमंडल के विचारार्थ मुद्दों पर प्रशासनिक सहायता देने और उनका रिकॉर्ड रखने अर्थात अभिलेख रखने तथा संबंधित विभागों तक मंत्रिमंडल निर्णय पहुंचाने हेतु यह सचिवालय स्थायी रूप से बना रहना चाहिए। सन 1922 में बोनर कानून बनाया गया, उसके अंतर्गत इस सचिवालय को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, परंतु इसकी कार्यकुशलता और उपादेयता के कारण इसको समाप्त नहीं किया गया। इस संबंध में हरमन फाइनर भी कहते हैं कि यह एक साधन मात्र है, किंतु इसकी अत्यधिक प्रभावशीलता तो केवल इसकी अनुपस्थिति में ही प्रतीत होती है। अब हम इसके क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद में संगठन को देख लेते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय को ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में एक अलग विभाग का स्तर प्राप्त नहीं है, जैसे हमारे यहाँ भारत में उसको एक पृथक विभाग का स्तर प्राप्त है, बल्कि इसको क्या है, विशेष विभागों की श्रेणी में रखा गया। प्रधानमंत्री सचिवालय के कार्यकरण में कभी कभार निर्देश देते हैं, यद्यपि परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री इस सचिवालय के राजनीतिक प्रभारी हैं। कुछ प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सेकंड क्लास के मंत्री नियुक्त किए थे, लेकिन अधिकांश अवसरों पर इस सचिवालय का प्रत्यक्ष से मंत्री नियुक्त नहीं किया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिव की भूमिका केवल मंत्रिमंडल सचिवालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह अन्य प्रशासनिक विभागों के साथ भी सामंजस्य करता है। यद्यपि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मुख्य वैज्ञानिक कार्यालय, कार्यदक्षता इकाई तथा लोक सेवा मंत्री कार्यालय, ऐसे अनेक संगठन हैं
ऐतिहासिक मामलों की इकाई भी इसमें क्या है, शामिल है। इनका क्या है, पृथक से अवस्तित्व माना जाता है। मंत्रिमंडल की सहायता के लिए एक स्थायी सचिव भी होता है जो सचिवालय के समस्त खंडों के मध्य सहयोग और सामंजस्य की स्थापना करवाता है। स्थायी सचिव की सहायता के लिए उप सचिव, सहायक सचिव, वरिष्ठ सचिव, प्रिंसिपल, वरिष्ठ निष्पादक अधिकारी तथा अन्य कार्मिक कार्यरत हैं। वर्तमान में क्या है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय में लगभग 100 कार्मिक कार्यरत हैं, जबकि सन 1988 में इनकी संख्या क्या है, 150 से भी ज़्यादा थी। सचिवालय को कार्यों की प्रकृति के आधार पर 7 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रतिरक्षा मामले खंड, समुद्र पारीय मामले खंड, आर्थिक मामले खंड, गृह एवं संसदीय मामले खंड, यूरोपीय मामले खंड, ओ एंड एम खंड और असूचना खंड। प्रत्येक खंड को एक अवर सचिव के अधीन रखा गया है, अंडर सेक्रेटरी के अधीन रखा गया है। आसूचना खंड के पदाधिकारी पद सोपान का ध्यान रखे बिना सीधे ही गृह मंत्री तथा प्रधानमंत्री से संपर्क कर सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान केंद्रीय साक्षी के कार्यालय को इस सचिवालय का एक भाग बनाया गया था, जो अब क्या है, स्वतंत्र विभाग है। संगठन के पश्चात अब हम इसके कार्य और भूमिका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्रिटेन के सचिवालय का मुख्य कार्य मंत्रिमंडल के लिए थिंक टैंक की भूमिका निभाना है। संक्षिप्त रूप से हम इसके ये जो कार्य हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। पहला है मंत्रिमंडल को प्रशासकीय सहायता देना। मंत्रिमंडल सचिवालय को राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का मित्र, दार्शनिक, सहयोगी, पथ प्रदर्शक तथा सूचनादाता माना जाता है। राजनीतिक मंत्री प्रशासनिक कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं तथा समन्वय प्रणालियों से क्या है, अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं। साथ ही उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भी क्या है, समय ज़्यादा देना पड़ता है, अतः प्रशासनिक परामर्श एवं सहायता जो है वो निर्णायक भूमिका निभाती है। वास्तव में यह प्रशासनिक सहायता प्रत्येक मंत्री को उसका संबंधित विभाग प्रदान करता है। यह प्रशासनिक सहायता, यहाँ जो प्रशासनिक सहायता है उससे तात्पर्य मंत्रिमंडल समितियों को दी जाने वाली सहायता से है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में अनेक समितियाँ हैं, जैसे राजनीतिक मामला समिति, यूरो डॉलर समिति, राष्ट्रमंडल समिति, आर्थिक सेवा समिति, उद्योग समिति, समन्वय समिति, सुरक्षा मामला समिति। इन सभी में आवश्यकता अनुसार क्या सदस्य रखे जाते हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय तथ्य व सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। वास्तव में मंत्रिमंडल सचिवालय के पास पुरानी एवं नई तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की सूचनाओं के विश्वसनीय स्रोत रहते हैं। इसके पश्चात अगला जो इसका कार्य या भूमिका है वो है मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रीय मंडल बैठकों की कार्यसूची का निर्धारण करके यह सचिवालय प्रत्येक मंत्री तक भिजवाता है। इस सर्कुलर में बैठकों के मुद्दों सहित दिनांक, बैठक स्थल तथा विशेष निर्देश भी होते हैं। इनका निर्धारण मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री के साथ मिलकर करता है। बैठक के लिए आवश्यक फाइलों, नियमों, सुविधाओं तथा अन्य सूचनाओं की व्यवस्था करते समय सचिवालय को यह क्या है, निर्देश रहते हैं कि वह गोपनीयता को भंग न होने दे। मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों की व्यवस्था भी यही कार्यालय करता है। इसके पश्चात अगला है मंत्रिमंडल निर्णयों का क्रियान्वयन। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको लिखित में रखना, उनके मिनट तैयार करना और प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद उनको संबंधित विभागों तक प्रेषित करना इस सचिवालय का महत्वपूर्ण कार्य है। विभागों के द्वारा जो फीडबैक प्राप्त होती है उसको अगली बैठकों में भी क्या है, प्रस्तुत किया जाता है। तो ये तीन मोटे कार्य जो हैं, उसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। विभिन्न प्रकार की जो सरकारी नीतियाँ हैं, कानून हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी रूपरेखा बनाता है। प्रशासनिक सुधारों, नवाचारों तथा कार्यकुशलताओं के लिए क्या है, ये परामर्श देता है। अध्यादेश जारी करने की भी ये कार्रवाई करता है। विदेशी प्रतिनिधि मंडल जो हैं उनका स्वागत व संधि समझौतों की भी रूपरेखा बनाता है। संसद के जो सत्र हैं उनको क्या है, आयोजित करवाता है और स्थगन की तिथियाँ भी क्या है, ये निर्धारित करता है।
सम्राट को मंत्रिमंडल और सरकार के निर्णयों से अवगत करवाता है। मंत्रिमंडलीय समितियों की रिपोर्ट का प्रकाशन और उससे संबंधित जो कार्रवाई है वो भी ये करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री तथा सम्राट की औपचारिक बैठकों की कार्रवाई में प्रशासनिक सहायता देता है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सम्मान समाधान के मामले, जाँच आयोगों का गठन और अन्य जो भी कार्य दिए जाते हैं, निर्दिष्ट कार्य जिनको कहते हैं, वो भी ये करता है। और ब्रिटिश गुप्तचर शाखाएं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, MI5, MI6, जिसको MI का मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, अल्ट्रा जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ भी क्या है, ये समन्वय स्थापित करता है। सन 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस वक्त के, उनके कार्यकाल में क्या है, मंत्रियों हेतु जिस आचार संहिता का निर्माण किया गया था, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, उसकी क्रियान्विति भी क्या है, उस पर निगरानी रखता है ये सचिवालय और प्रधानमंत्री को सूचित करता है। मंत्रियों हेतु जो 7 सिद्धांत बने गए हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, जिसमें निस्वार्थता, सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, जवाबदेहता, पारदर्शिता, ईमानदारी और नेतृत्व शामिल हैं, तो इन पर क्या है, वो क्या है, निगरानी रखता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय का मुख्य कार्य, अंत में हम कह सकते हैं, मंत्रिमंडल के लिए प्रशासनिक परामर्शदाता व प्रधानमंत्री के सहयोगी की भूमिका निभाना है। यह सचिवालय सभी विभागों से संबंधित निर्णयों से संबंधित है, अतः यह एक केंद्रीय पूल की स्थिति में गंभीरता से दायित्वों की पूर्ति करता है। विभिन्न विभागों तथा स्तरों पर समन्वय स्थापित करने में भी मंत्रिमंडल सचिवालय एक प्रभावी अभिकरण या एजेंसी सिद्ध हुई है।